गाइस हम आए थे केदारनाथ, जहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये ऊपर से पहाड़ खिसका हुआ है, और यहाँ पे अभी भी एक दो भोले हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे। शायद जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें शायद दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पत्थरों के पीछे पीछे से आ रहे हैं, एकदम छोटे छोटे हैं। शायद आपको दिखाई दे ना दे। ये देखिए देखिए ये रे ये। तो उस टाइम बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जो रेस्क्यू करने वाली जो बात की जा रही है हेलीकॉप्टर से, वो सिर्फ बुज़ुर्गों को, दिव्यांगों को ही लेके ही जाया जा रहा है बस। बाकी जो लड़के हैं, जवान हैं, वो सब रोड के रास्ते आ रहे हैं, और सब ऊपर से ही आ रहे हैं, और अपने रिस्क पे आ रहे हैं। हम खुद पहाड़ों में चल चल के आए हैं। NDRF ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी बांध देती है बस, और उसके बाद वहाँ धड़ाधड़ भीड़, वो कुछ भी नहीं करे। अब यहाँ पे हालांकि आर्मी आ चुकी है, आर्मी को लगाया गया है, जो अभी पूरा मुआयना कर रही है। अभी हमने भी उनसे बात करी, तो वो कह रहे हैं अब इस सिचुएशन को हम संभालेंगे, और बस वो पता कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोग फंसे थे। हमने उनको बताया कि पहाड़ पे, जैसे कि हम देखिए इस पहाड़ के ऊपर से आए, इस पहाड़ के ऊपर हमारे साथ 500 से 600 बोले थे, जो सभी उतर गए। सबसे पहले हम दो आए, वो बाकी जितने ही बोले हैं वो सब ऊपर हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है, और सारी मार्केट बंद हो चुकी है, और यात्रा भी कम से कम 1 से 2 महीने के लिए बंद है। इससे पहले नहीं, क्योंकि रोड जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके, ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ से निकलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उसे बहुत जल्दी से रिकवरी किया जा सकता। हालांकि आज शिवरात्रि याद जल है, लेकिन उसके बाद भी यात्रा पूरी तरह से बंद है। तो देख सकते हैं ये पहले कितना कम स्पेस था, और अब कितना ज़्यादा हो चुका है। तो बहुत ही बुरा हाल है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरा। तो जो भी लोग आ रहे हैं, कम से कम 1 से 2 महीने का गैप लें, उसके बाद यहाँ पे आने का प्रयास करें। देखिए आगे देखिए, बहुत बुरा हाल है। सब बस यहाँ खड़े हो गए, बस सिर्फ तमाशा दे रहे, बस निकालने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हेलीकॉप्टर एक बार में सिर्फ 6 ही श्रद्धालुओं को ऊपर से नीचे लेके आता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत बुरा हाल है, कहने का मतलब मेरा यही है, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। मैं पहली बार आया था, पहली बार भी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इतना ख़राब रहा। ऐसी ऐसी जगह से चढ़ाई करी है, नीचे देख के तो बस आप समझ सकते हो आधी जान हलक में आ गई। बहुत बुरा हाल है गाइस, 2013 का मंजर और ये मंजर, आओ दोनों आप सेम बोल सकते हो। बस जो मरने वाले की संख्या है वो इस बार कम है पहले के मुकाबले, हालांकि काफ़ी लोग मिसिंग भी हैं। बाकी जब जांच की जाएगी तब पता चलेगा कितने लोग लापता हैं, कितनों की मौत हुई है। ये देखिए गाइस, तो अब हम आ चुके हैं सोन प्रयाग में। अब यहाँ से हम बस लेते हैं और सीधा निकल रहे हैं हम दिल्ली। तो जो भी यहाँ पे आना चाह रहा है या फिर आने वाला है, तो वो सोच समझ कर आए, और पूरी तरह से केदारनाथ की वेबसाइट पर जाके यहाँ का अपडेट लें। जय भोले शंकर की।